गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी क्लास है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी क्लास से एक्सेलरेशन जिसको हिंदी हम क्या कहते हैं, त्वरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? त्वरण। तो इंग्लिश में एक्सेलरेशन, हिंदी में त्वरण। तो ये क्या होता है ये आज हम समझेंगे। त्वरण क्या होता है इस चीज को आज हम समझेंगे। फिर इसकी क्लास में देखिए टॉपिक्स वाइज आपके क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिट चीजें इसमें है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके आंसर्स भी जल्द से जल्द हम देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 24 घंटे इसका आंसर आपका जो भी होगा क्वेश्चंस, अगर आपका कमेंट आया तो 24 घंटे के अंदर उस चीज को सॉल्व किया है, स्टाफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि कोई या इफ एनी ऑब्जेक्ट टाइम मतलब एन एजी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ क्या है, उसका वेग वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे वी की यहाँ पे कितनी हुई, 2v हो गई। ऐसे करते हो करते करते क्या हो रही है, इसको एक लीनियर फॉर्म में क्या हो रही है, लीनियर फॉर्म में या कोई सॉरी देखिए किसी का ऑब्जेक्ट की क्या हो रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्या हो रही है, टाइम बिना टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम इसमें जरूरी है, प्रेफर हो जरूरी हो नहीं पता। ठीक है, बट इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि वेलोसिटी हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, टाइम पे बढ़ती जा रही है, मतलब एकदम से पहले इतनी थी फिर इतनी हुई, ऐसा तो होगा नहीं। बिना टाइम के बढ़ जाएगी, एकदम से भी बढ़ती है, धीरे धीरे ही बढ़ती है, बट क्या हो रही है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, एक लीनियर फॉर्म होता है, मतलब कि निरंतर निरंतरण, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, निरंतरण को बोलते हैं कि मतलब कि जैसे वंश बाई वंश बढ़ता ना, उस टाइप से होता है कि यदि किसी, अब हिंदी में बोल इसकी परिभाषा, यदि किसी पिंड की क्या हो रहा है, निरंतर क्या हो रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यदि किसी पिंड की, यदि किसी गतिमान वस्तु का, ठीक है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो उस गतिमान वस्तु का क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। इस तरह इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर आएगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, लीनियर फॉर्म इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, लीनियर फॉर्म में वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब एक ऐसा बढ़ती, मतलब सीधी फॉर्म में बढ़ती जा रही, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ गई फिर घट गई, ऐसा नहीं, एक लीनियर फॉर्म बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो अगर बढ़ती जा रही है तो उस मूवेबल ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या है, जो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर। इसके अंदर क्या है, वेक्टर। इसका एसआई मात्रक क्या है, आपसे पूछा जाए इसका एसआई मात्रक या एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इसका एसआई मात्रक है। ओके, और इसको लिखते हैं जैसे कि अगर इसको पूछा जाए इसकी किस टाइप से, इसकी क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस, बेस फॉर्मूला क्या है इसका, बेस फॉर्मूला है इसका ए वी एन यू अपॉन टी, मतलब कि बोलते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी एंड लास्ट वेलोसिटी, नहीं लास्ट वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट स्टार्टिंग वेलोसिटी अपॉन टी, मतलब कि टाइम। ओके, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बेस फॉर्मूला होता है या बेसिक फॉर्मूला, अगर लिखिए अगर बेस फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, ये इसका होता है फॉर्मूला। ओके,
ठीक है, ट्रांसलेशन में समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जब किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट टाइम टू क्या होता है, एक मूवेबल ऑब्जेक्ट एक लीनियर क्या होता है, उसमें इंक्रीजिंग एक लीनियर फॉर्म में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, तो उस मूवेबल ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोला जाता है हिंदी बोला। यदि किसी गतिमान पिंड को क्या किया जाता है, एक निरंतर उसका क्या होता है, वेग बढ़ता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। तो उस वस्तु, उस गतिमान वस्तु का क्या बोलते हैं, त्वरण के नाम से जानते हैं, उस चीज को समझते हैं। ओके, दोनों में इस चीज को बता दिया है। फिर आते हैं वेल काइंड्स ऑफ एक्सीलरेशन, काइंड्स ऑफ एक्सीलरेशन, ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, चीजें समझने पे बेस है, आप समझोगे पेपर में चीजें आएंगी, आप कर पाओगे। कोई भी पेपर हो, बेसिस क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं बड़े, ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ के बाद आप कोई भी एग्जाम दो या टेंथ के बाद कोई भी एग्जाम दो, तो जो क्या होता है, जो एंट्रेंस फॉर्म होता है उसमें ये चीजें बहुत हद तक क्या होती आती हैं, और आपके कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये बहुत अच्छी चीजें। आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं तो आप इसमें देख सकते हो, अगर और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप उस चीज़ के ऊपर हमें बोल सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि एक्सेलरेशन हुआ, वेक्टर हुआ, ठीक है, वेलोसिटी हुई, ठीक है, इनिशिया हुआ, इनिशियल, ठीक है, इनिशिया मतलब कि जड़ होती है इसको, और भी चीज़ें फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री, इस चीज़ के बारे में आप हमसे पढ़ सकते हो। ओके, क्लास ऑनलाइन ले सकते हो, और उस चीज़ के ऊपर कोई अगर लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उस चीज़ को कमेंट के या माध्यम से क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन के क्या है, कुछ टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के। नंबर वन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, होता है जब कोई मूवेबल पार्ट होता है वो क्या करता है, मूव करता है, तो उसका टाइम के अकॉर्डिंग क्या, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है, जैसे कि T1 पर और T2 पर, T2 और V2, ठीक है। जैसे ही कोई पेंड है, ठीक है, या जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, उसका होता है टाइम डिफरेंस होगा, मतलब कि दोनों का क्या होगा, टाइम डिफरेंस होगा। पहले वेलोसिटी कम थी तब टाइम कुछ और था, फिर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइम पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी उसमें क्या की जाती है, देखी जाती है, या इस चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है। इस पे टाइम पे अकॉर्डिंग होता है, बट ये एक क्या होता है, एक लीनियर फॉर्म में होता है, सॉरी लीनियर फॉर्म में नहीं, एक यूनिफॉर्म में होता है, मतलब कि एक समान होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पेंट है, वो ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ पे टी टाइप पर इसका वन था, मान के चलते हैं, ये T2 टाइप पर टू हो गया, तो यहाँ पे B2 कितना हो गया, तो मतलब एक तरह से टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डिपेंडेबल होता है, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी दोनों पर क्या होता है, डिपेंडेबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। फिर आता है अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, ये हम बताते हैं, ये असमान जड़, ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमान त्वरण।
ओनली फॉर एग्जाम्पल से आप इसको उस चीज को क्या करेंगे, हम समझाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी जैसे कार है, ठीक है, क्या है, कोई कार है, कार मान लीजिए, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको क्या माना हमने, कार, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, टाइम या जिसको हम बोलते हैं समय, क्या होता है, एक सेम होता है, ठीक है, बट वेलोसिटी या जिसको बोलते हैं वेग, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे कोई कार, ठीक है, कोई कार है, वो क्या कर रही है, रोड पर चल रही है, उसने क्या किया, एक घंटे में कितनी दूरी तय की, 60 किलोमीटर, उसका वेग कितना था, 100 किलोमीटर, ओके, किलोमीटर पर घंटा, घंटे में लेते हैं किसी कॉमन लेसर, फिर इसी कार में, ठीक है, किस पॉइंट से, ए से बी और सी, फिर इसी कार ने क्या किया, आने वाली डिस्टेंस मतलब कि एक घंटे में उसने 60 किलोमीटर, किसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड लिखते हैं, वेग लिखते हैं, वेग, ठीक है, शुरुआत में उसका जीरो होगा ना, अब इसी स्पीड से यहाँ पे, बट इसने क्या किया, आने वाली 100 किलोमीटर को कितने में पार किया, रेजिस्टेंस से जो हम समझा, टाइम उतना ही है, बट इसमें क्या हुआ, देखो टाइम कितना है, सेम है, एक घंटा यहाँ पे लगा, एक घंटा यहाँ पे लगा, ओके, वन आवर, बट डिस्टेंस में क्या आया, डिस्टेंस में क्या है, डिफरेंस आया, और उसके वेग में भी क्या है, डिफरेंस आया, क्यों आया, क्यों, इसमें इसमें क्या बढ़ाई, इसने स्पीड बढ़ाई अपनी, क्या बढ़ाई अपनी, वेलोसिटी, एक ही दिशा में बढ़ना, जब एक ही दिशा में वो बढ़ रहा है तो क्या हुई, वेलोसिटी हुई, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप जा रहा है, मतलब डिफरेंट ऐसे 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 जा रहा है जी कार, इस तरह जाती, तो वो क्या हो जाता, स्पीड हो जाता, ओके, बट ये क्या, वेलोसिटी हम मान के चलते हैं, या वेलोसिटी इसलिए मानते हैं कि वो एक लीनियर फॉर्म में, एक दिशा में क्या हो रहा था, चल रहा था, ठीक है, इसमें वेक्टर आएगा, तो ए तो पॉइंट से बी पॉइंट 60 किलोमीटर ने कितने की, 60 किलोमीटर एक घंटे में कवर किया, ठीक है, और इसी कार ने बी से सी तक पहुंचने में 100 किलोमीटर प्रति घंटे क्या किए, कवर किए, तो इसका ठीक है, तो बी से सी तक इसने टाइम तो सेम है ना, जब टाइम सेम है उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये 60 किलोमीटर है और ये भी 100 होता, बट वो उसी टाइम से चल रहा है, और टाइम और वेलोसिटी दोनों क्या है, समान है, मतलब कि एक दूसरे से क्या है, सेम है, और उतना ही चल रहे हैं, चाहे वो 60 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे वो कितने भी किलोमीटर हो, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंट होता है, इससे वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज होती है, बट टाइम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ओके, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का। अब चलते हैं इनिशिया, हाँ, एक चीज और इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव या धनात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण, क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण
और ऋणात्मक ठीक है, धनात्मक एंड ऋणात्मक ग्रहण क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, देखिए जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि ये टाइम है ठीक है, और क्या है वेलोसिटी, इसमें भी टाइम और वेलोसिटी होगा, इसमें क्या होगा टाइम एंड वेलोसिटी। तो टाइम के अकॉर्डिंग यदि टाइम इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इफ यदि टाइम बढ़ रहा हो वेलोसिटी भी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि एक जैसे कि जितना टाइम बढ़ाते जा रहे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और यदि हम टाइम इंक्रीजमेंट हो रहा है बट वेलोसिटी में क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट ठीक है, ये डिक्रीज हो रही है और टाइम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि हम क्या हो रहा है पहले बढ़ रहे थे, अगर दोनों वेलोसिटी टाइम भी बढ़ रहा और वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो क्या होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यदि टाइम बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है। ये किस पे डिपेंडेबल होता है, ये टाइम पे डिपेंड, टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी घट रही तो नेगेटिव, और टाइम बढ़ रहा और वेलोसिटी बढ़ रही तो किसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन ओके। फिर आता है इनर्शिया, इनिशियल क्या है चार्ज, ठीक है इनिशियल इसमें क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्टेबल है, मतलब कि स्टेट स्टैटिक मतलब स्टेबल अवस्था में ठीक है, स्टेबल वो हिल नहीं रहा है ठीक है, उसमें मूव नहीं हो रहा है, तो वो तब तक स्टेबल रहेगा जब तक उसमें क्या ना हो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ठीक है। तो और यदि कोई मूवेबल क्या है ऑब्जेक्ट है, यदि उसमें जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं तब तक वो क्या नहीं होगा स्टेबल नहीं होगा ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है मूवेबल ऑब्जेक्ट है तब तक तो मूवेबल रहेगा वो जब तक कि उस पर क्या ना हो एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और यदि कोई क्या है ऑब्जेक्ट क्या है स्टेबल है मतलब कि हिल नहीं रहा है स्टेबल है पूरी तरह से, तो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक क्या नहीं होगा वो मूवेबल नहीं होगा ठीक है। इसलिए बोलते हैं इनिशिया ऑफ रेस्ट, इसके दो पार्ट हैं, नंबर पहला इनिशिया ऑफ रेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्राम, जड़ ठीक है इनिशिया ऑफ रेस्ट ब्राम जड़, जैसे कि हमने बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है अभी बताया इस चीज को, और वो क्या नहीं कर रहा मूव नहीं कर रहा बट यदि इसी ऑब्जेक्ट में क्या लगाएगी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, बाहर से क्या लगाएगी एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा ओके। फिर आता है दूसरा सेकंड पार्ट, उसको बोलते हैं इनिशिया ऑफ मोशन, ये दोनों चीजें भी हमने आपको बताई है, इनिशिया ऑफ मोशन
गति का जड़। इसमें क्या होता है, यदि कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूव, इसको फोर्स लगा के क्या हो गया ये स्टेबल या स्टेबल। ओके अब मूव नहीं करा तो मूव नहीं हुआ, तो करेंगे अभी तो मूव कर रहा है, बट इसमें जैसे ही एक्सटर्नल क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो गया। ओके या नॉन मूवेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनिशिया। ओके और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ऑफ मोशन लॉ। ओके तो नेक्स्ट वाली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टॉपिक में पूछ सकते हो। ओके।